Hello, good morning, India. The Hindu analysis सुबह 6 बजे. Daily vocab सुबह 8 बजे. Mass manthan सुबह 10 बजे. GK ज्ञान दोपहर 12 बजे. Reasoning mantra दोपहर 2 बजे. English dose शाम 4 बजे. CDS special शाम 6 बजे. सुबह 6 बजे से. शाम 6 बजे तक. Back to back classes. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. Hello. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. So friends, first of all, वापस से आप सभी को Happy New Year. उम्मीद है 2018 है वो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा और हम डबल मेहनत करेंगे आपके साथ में और आपका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे 2018 में. तो जितने भी क्लासेस है, जितना भी शेड्यूल है जो कि आप सभी के लिए चलाए गए, इन सबको फॉलो करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करिए ताकि 2018 आपके लिए बहुत अच्छा होगा. और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा टारगेट है पिछले काफ़ी टाइम से जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि 50 में से 50 जो कि जीके में आपको लेके आ रहे हैं वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप सभी CHSL के पेपर के लिए रेडी हो रहे हैं. और जैसा कि हमारी क्लासेस है वो सिर्फ स्पेसिफिकली CHSL के लिए अभी जो हो रही है ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. और जैसे कि पिछले 10 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और 10 पेपर के बाद आज अपन 11 पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि किसका है, CHSL का है 2017 का. तो काफ़ी कुछ आज हम सीखेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको आते भी होंगे और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 2018 के पेपर में आपको देखने को मिलेगी. तो ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, जो कि हमेशा हम डिस्कस करते ही हैं. तो सभी कुछ देखते हैं. पहला जो आज हमारा क्वेश्चन जो कि पिछले साल पूछा गया था एक सेट के अंदर, वो पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो एक सवाल दो सवाल तो कंप्यूटर में से हमेशा आते ही है. और अगर हम जैसे कि आपको पता है कि 74 सेट डिस्कस करेंगे तो उसमें से वापस से कंप्यूटर में से उन्हीं में से एक सवाल आएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो कि हम आसपास के भी शेयर करते हैं. अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना जरूरी है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती क्या है. सबसे जीके में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है कि कोई सी भी चीज़ किस काम में आती है और वो होती क्या है. अगर आपको ये पता चल गया ना तो आपकी जीके पढ़ने का जो मज़ा है वो दुगना तिगना हो जाएगा आपका, ठीक है. अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो ए इसका आंसर आ रहा है, HTML. देखिए, HTML तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक तरीके की लैंग्वेज है जो कि काम करती है वेबसाइट बनाने के लिए काम करती है. बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा. आंसर जो मेरे अकॉर्डिंगली इसका जो सही होना चाहिए ना, जो सर्वर साइड जो लैंग्वेज है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा ना, कभी भी आपको आंसर मार्क नहीं करना है. यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में बोला गया है. देखिए, वेबसाइट जो बनती है ना, हमेशा दो तरीके की बनती है, आपको पता होगा. एक तो हम बोलते हैं जिनको स्टैटिक पेज बोलते हैं और एक हम उनको जिनको डायनामिक बोलते हैं. कई सारी वेबसाइट जो है वो सिंपल सी एक पेज होता है, उसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो जो कि वर्डप्रेस पे बन जाती है इजिली. लेकिन कई सारी अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, जैसे कि अगर आप ओला उबर या फिर मेक माई ट्रिप या फिर कोई भी जो बड़ी कंपनीज है, इनकी अगर आप देखेंगे तो डायनामिक वेबसाइट होती है, काफ़ी कुछ पेजेस होते हैं इनके अंदर जिसके अंदर ये खुद उसमें चेंजेस कर सकते हैं. तो ये जो डायनामिक वेबसाइट है ना, ये बनाने के लिए ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज काम में आती है, जो कि PHP पे बनती है. PHP.NET ये सब आपने सुना होंगे ना नाम, ये सब यही काम करने के आती है. तो आप एक इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है जो कि इसके अंदर लिखी हुई है और आपके अगली बार पेपर में से इनमें से काफ़ी कुछ आ सकता है. तो देखिए, डायनामिक पेजेस को जनरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं. कई सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया PHP है, ASP है, .NET है, कॉड फ्यूजन है, पर्ल है. तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो .NET, ASP और PHP, ये इंपॉर्टेंट है. और ये कई सारी लैंग्वेजेस है जो कि इंटरप्रेट करती है एप्लीकेशन के तौर पर. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया था, हु इन्वेंटेड वैक्यूम फ्लास्क. तो देखिए, हमेशा एक सवाल आपके इन्वेंशन से रिलेटेड जरूर आता है. तो जितने भी घरेलू जो उपकरण होते हैं या फिर जो घरेलू चीज़ें आपके काम में आती है और कई सारी जो चीज़ें काम में आती है, तो वहाँ से इन्वेंशन का एक सवाल ज़रूर आता है. या तो टेलीविज़न होगा, फ्रिज होगा, या फिर और कुछ हो सकता है, AC हो सकता है, कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है. तो उसका वीडियो मैं आपके पेपर से पहले एक ज़रूर बनाऊंगा इन्वेंशन के लिए. और फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया जो कि आपको अभी मिल गया है, वो बुक्स का है. 2017 की जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स है और उनके ऑथर्स हैं ना, उन सभी का मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है और आपको अवेलेबल करवा दिया है.
बुक्स एंड देयर ऑथर्स, जितनी भी 2017 की इंपॉर्टेंट किताब है, आपके जितने भी पेपर है, चाहे यूपीएससी का आईएएस का प्री पेपर क्यों ना हो, वहां से लेकर सीएचएसएल तक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, बुक्स एंड देयर ऑथर्स का 2017 की सारी बुक कवर अप करी है, आपको वो मिल जाएगा और यहाँ पे आपको लिंक भी मिल गया है। तो वैक्यूम फ्लास्क के बारे में पूछा गया, देखिए वैक्यूम फ्लास्क जो ये इन्वेंट किया गया 18th सेंचुरी में, इसको बनाया गया था 1890s के समवेयर, और 1900 के बाद में इसको कमर्शियल यूज के लिए बनाने चालू कर दिया। तो यहाँ पे जो आंसर है लोग सी आंसर कर रहे हैं, लेकिन गलत है, जेम्स डेवर डी इसका सही आंसर है, जेम्स डेवर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जेम्स डेवर वो पर्सन है, आप इमेज में देख सकते हैं, जिन्होंने वैक्यूम फ्लास्क का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया आई को लेकर। देखिए आई के दो डिफेक्ट होते हैं, कई बार हमने बचपन में इसके बारे में पढ़ा है, मायोपिया होता है, हायोपिया होता है। तो मायोपिया एक डिफेक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका सवाल आया था कि मायोपिया आंखों की दोष है जिसमें डैश भी कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट था जो कि आपको ध्यान रखना था इसके अंदर, और कई बार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए दो तरीके के डिफेक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, एक तो मायोपिया, एक हायोपिया, ठीक है। अब इसको जब मायोपिया क्या होता है, ये नियर साइटनेस होता है, नियर साइटनेस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो आपको पास की जो नजर है ना वो आपकी सही है, दूर का देखने में आपको दिक्कत होती है, पास की जो आपकी नजर है ना वो तो सही होती है, नियर वाली जो नजर है वो तो क्या है, सही है, और दूर का आपको देखने में दिक्कत आएगी। अगर जैसे कि मेरे जो लगा हुआ है ये इस वक्त कौन सा है, प्रॉब्लम की वजह से, मायोपिया की वजह से, ठीक है, क्योंकि मुझे पास का तो दिखता है लेकिन मुझे दूर का नजर नहीं आता है। तो मैं जो लेंस कौन से यूज करता हूं, कॉनकेव लेंस काम में लेता हूं, ये भी आपसे पेपर में पूछते हैं, कॉनकेव, तो मुझे दूर का देखने के लिए कॉनकेव, यंग एज के अंदर आपके यही काम आएगा, जैसे कि आपके भी बहुत लोगों जो लगा होगा ना यंग एज में, तो यही लगता है चश्मा कॉनकेव वाला। वैसे ठीक है, दूसरे वाले की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे काफी कमेंट आ रहे हैं और जो आंसर आ रहा है ना, मेजरली यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो लोगों ने बी और सी में से काफी डिफरेंट डिफरेंट आंसर करे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरे के बारे में पढ़ लेते हैं, हाइपरोपिया के बारे में पढ़ लेते हैं, अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें आपको है ना पास का नियर की जगह लॉन्ग, लॉन्ग साइटनेस, यानी कि दूर का तो आपको दिखता है, लॉन्ग का यानी कि दूर, दूर का तो आपका क्या है, सही है आंखें, पास की आंखें कमजोर है, ये ओल्ड एज में लगता है, जब आप जब ज्यादा एज हो जाती है, और इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिजीज में क्या सही है, उसे क्या बोलते हैं और कौन सा लेंस काम में लेते हैं, सिंपल सी बात है। अब साथ में ये होता किस वजह से, ये भी रीजन जानना जरूरी है, होता क्या है फ्रेंड्स, आपके आई के अंदर रेटिना का आपका स्ट्रक्चर पता ही, आपको रेटिना होता है, तो रेटिना के ऊपर इमेज ना फॉर्म होके जब उसके आगे फॉर्म होती है इमेज, ठीक है, ये रेटिना है फॉर एग्जांपल, रेटिना पे इमेज बननी चाहिए थी लेकिन इसके आगे बन रही है इमेज, तो इस केस में आपको क्या होगा, मायोपिया होगा। और अगर किसी के, ठीक है, अगर किसी के रेटिना पे, रेटिना के आगे इमेज बन रही है तो क्या होगा, मायोपिया होगा, और अगर किसी के रेटिना के पीछे इमेज बन रही है तो क्या होगा, हाइपरोपिया होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पे मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं और यहां पे काफी लोगों का जो आंसर आया है बिल्कुल सही है, यहां पे जो लोगों ने आंसर किया है ना फ्रेंड्स, वो बी आंसर किया है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पे मैं आपको इमेज भी दिखा रहा हूं काफी सारी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मायोपिया की देख लीजिए, ये क्या है, नियर साइटनेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें पास की तो सही दिखती है लेकिन दूर की गलत दिखती है। अब इसमें होता क्या है कि जो रेटिना है ना, जो रेटिना के ऊपर इमेज ना बनके उसके आगे रेटिना इमेज बनती है, उसके ऊपर नहीं बनती है। और ये डिफेक्ट किस वजह से होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बड़ा एक्सेसिव हो सकता है, या फिर आई बॉल है वो बड़ी हो सकती है। दूसरा देखते हैं जो कि आपके लिए इमेज, देखिए इसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर जो इमेज है ना, ब्लरी इमेज, वो किसके रेटिना के आगे बन रही है, फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो आप फ्यूचर में जिन जिन के चश्मा है एटलीस्ट वो तो ध्यान रखेंगे कि किस वजह से ये ऐसा होता है, आपके चश्मा मेरे चश्मा क्यों लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसके आगे एक और इमेज है जिसमें आपको हाइपरोपिया के बारे में बता रखा है,
देखिए यहाँ पे काफी लोगों ने कुछ दूसरे नाम भी बोल रखे हैं हाइपरऑफिया के, वो भी सही नाम है, लेकिन इसको हाइपरऑफिया भी बोलते हैं। तो हाइपरऑफिया क्या है, एक फार साइटनेस है, लॉन्ग साइटनेस भी जिसको हम कहते हैं, हाइपरमेट्रोफिया भी कहते हैं, जिन बच्चों ने भी काफी लोगों ने हाइपरमेट्रोफिया नाम भी बताया था, तो हाइपरऑफिया इसे शॉर्ट में बोलते हैं। और ये क्या होता है, इम्परफेक्शन होता है आय का, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होगा, आपको क्या होगा, दूर का तो सही दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिख पाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको काफी कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल शिवम व्यास जी पूरे ही पूरे जितने 64-74 सेट थे ना वो सारे खत्म करेंगे हम आपके लिए आपके पेपर से पहले। और मोहित कुमार जी एसएससी जेई के लिए वीडियो, बिल्कुल एसएससी जेई के लिए मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ कल। मैं आपको करंट अफेयर का 6 महीने की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसका मैं आपको एसएससी जेई के लिए और सीएचएसएल के लिए दोनों के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, कल मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, मैंने ऑलरेडी आपके लिए कंटेंट हो गया रेडी और कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो GK24 डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कल भी जो आपको वीडियो मिलेगा वो GK24 में ज़रूर मिलेगा, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे मायोपिया का जो आंसर है वो बी आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा गया। आपको पता ही है दो बड़े फेमस नाम है, कई बार ये सारे के सवाल वही सवाल है जो कि हम डेली जीके क्लास में कवरअप कर चुके हैं। डेली जीके क्लास के अंदर हमने सारे क्वेश्चन कवरअप करे हैं जो कि आपके सीजीएल सीएचएसएल में आने वाले टाइम के अंदर पूछे जाएंगे, क्योंकि इन डेप्थ के अंदर हम हमने वहाँ पे स्टडी करी है। तो यहाँ पे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन सभी को पता ही है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई गलत आंसर करेगा। और गौतम कुमार जी इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं, तो देखिए गौतम जी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है आपकी और वो क्लास अटेंड करिए, आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन जो अवेलेबल है, बोर्डलक का नाम सभी को पता ही है, ओके नॉर्मन बोर्डलक, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है सी इसका सही आंसर होगा, सभी लोगों को इसका आंसर पता ही है। नॉर्मन बोर्डलक कौन थे, एक अमेरिकन पर्सन थे जिन्होंने दुनिया में जो एग्रीकल्चर को लेके जो वेराइटीज है वीट की उसको पूरा किया, और इसीलिए वो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन दुनिया में जाने जाते हैं। और साथ में आपको पता होगा कि वो जो पर्सन है इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। किसके बात कर रहा हूँ, सी आपका यहाँ पे सही आंसर है, आई गेस हाँ बोर्डलक बिल्कुल सही है, और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है 1970s के अंदर। इसके अलावा कॉन्ग्रेशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कॉन्ग्रेशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कॉन्ग्रेशियल गोल्ड मेडल, कॉन्ग्रेशियल गोल्ड मेडल बोलते हैं, अमेरिका का हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है ना हाईएस्ट, वो कौन सा, एक तो कॉन्ग्रेशियल गोल्ड मेडल है और इसके अलावा एक और है, उसका नाम है फ्रीडम समथिंग करके, फ्रीडम मेडल, ठीक है। तो ये दो मेडल है जो कि सबसे बड़े अवार्ड है यूएस के, और ये दोनों मिले हुए हैं बोर्डलक को, और साथ में नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, और ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जाने जाते हैं। इंडिया के पूछे जाए तो स्वामीनाथन है, बिल्कुल सही कहा है वर्मा जी ने कि इंडिया का अगर आपसे पूछा जाए तो स्वामीनाथन है, और उनके उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले 2017 में किताब भी लिखी है, MS स्वामीनाथन ने किताब भी लिखी है, तो वो किताब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। और इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफ्रीका के अंदर यहाँ पे बहुत काम किया था बोर्डलक ने, और जो प्रॉब्लम थी फूड की वो पूरी करवाई थी। तो यहाँ पे आपका सी आंसर है, आप इमेज भी देख सकते हैं, ये जो पर्सन है यही वो है, और ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पैंथेरा टिग्रिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक ना एक साइंटिफिक नेम से रिलेटेड चीजें आपके पेपर में हमेशा पूछी जाती है, और साइंटिफिक नेम चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पीडीएफ चाहिए अगर बुक्स एंड ऑथर वीडियो की, तो फ्रेंड्स आप GK24 डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ और वीडियो दोनों मिलेगा। अब यहाँ पे मोहित कुमार जी मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा एसएससी जेई का, आपको करंट अफेयर का। और मोनिका जी बोल रही है कि बुक का नाम क्या है, बुक का नाम भी MS स्वामीनाथन ही है, बुक का नाम भी वही है और उन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया है, बी यहाँ पे आंसर आ रहा है, और बिल्कुल सही आंसर है बी, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है, जैसे कि नाजा नाजा कोबरा का है वैसे ही टाइग्रेस जो ये पैंथेरा टाइग्रेस है वो किसका है, टाइगर का है। तो कई बार मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपको इमेजेस भी दिखा चुका हूँ, आपको याद हो जानी चाहिए। ये देखिए सबसे पहले साइंटिफिक नेम आप एनिमल्स का देख सकते हैं, डॉग का कैनिस, कैट का फेलिस, हॉर्स का एक्वस, कैटल का बॉस,
शिव का ओवेस, तो ये ऊपर वाले तीन चार नाम याद कर लीजिए, यही आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा पेपर में आपके नहीं आएंगे, तो ऊपर ऊपर के ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा जो एक इमेज मैं हमेशा से शुरू से आपको दिखा रहा हूँ वो भी ध्यान रखनी है, जिसमें एनिमल और प्लांट और एनिमल दोनों के हैं। प्लांट के देखिए, पी प्लांट का है पीसम सेटाविज़म, मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, बैनियन ट्री का फिकस, तो ये सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं, अपने आप पेपर में बनते रहते हैं, पेपर में आते रहते हैं और हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल था जिसका आंसर बी है। नेक्स्ट है ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ग्लास को हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड कहते हैं, अति शीत द्रव्य, सुपर द्रव्य, आदर्श द्रव्य या असंयोजित द्रव्य, तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से ग्लास क्या होता है। देखिए ग्लास क्या होता है, एक तरीके का एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन स्टेट में से सीधे सुपर कूल्ड में पहुंच जाता है, वो क्रिस्टलाइजेशन में पहुंचता ही नहीं है, पहुंचने से पहले ही वो डायरेक्टली किस में पहुंच जाता है, सुपर कूल्ड में पहुंच जाता है। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो ए इसका सही आंसर होगा, सुपर कूल्ड लिक्विड है ये, और यहां पे आप ग्लास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहां पे। सबसे पहले देखिए दो तरीके के सॉलिड आप जान सकते हैं, सबसे पहले टाइप ऑफ सॉलिड, देखिए दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और साथ में अमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं, जिनका रेगुलर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है कंपोनेंट्स का, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड कौन से होते हैं, जो कि जिसके अंदर डिस्टॉर्शन हो जाता है स्ट्रक्चर का। अमॉर्फस का मतलब ही ये होता है जो कि शेपलेस होते हैं। अब अमॉर्फस के अंदर कौन सा इंक्लूड होगा, ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये इसी के अंदर इंक्लूड होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इसकी, तो देखिए यहाँ पे ग्लास क्या है, एक अमॉर्फस सॉलिड ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिस्टल तो है ही नहीं, वो अमॉर्फस ही है, और अमॉर्फस में होता क्या है कि वो डायरेक्टली रिजिड स्टेट में पहुंच जाएगा विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल स्टेट में पहुंचने से पहले ही क्या हो जाएगा, किसमें, रिजिड स्टेट में पहुंच जाएगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड हम उसको कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डेफिनेट टेम्परेचर पे मेल्ट भी नहीं होता है ग्लास, और दो तरीके के सॉलिड आपको ध्यान रखने हैं बस, एक तो अमॉर्फस है और एक क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टल कौन सा है, जो कि आपके बाकी जितने भी होते हैं ना, जो रॉक है, बाकी सब चीजें हैं, आइस है, वो सब क्रिस्टल में आते हैं, लेकिन अमॉर्फस में वो चीज आती है जो कि शेपलेस होती है, और ये शेपलेस क्यों, क्योंकि डेफिनेट टेम्परेचर में मेल्ट भी नहीं हो रही है और शेप भी इनका वैसा नहीं है, क्रिस्टल हो नहीं रही है, डायरेक्टली रिजिड जा रही है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे विकास जी पूछ रहे हैं कि किस क्लास कितने बजे चलनी है, तो क्लास अभी 1 बजे तक चलेगी फ्रेंड, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और स्पोर्ट्स का करंट अफेयर भी मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा, और 1-2-3 दिन में मैं आपको स्पोर्ट्स का प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल सही कहा अस्मित कुमार जी ने, अमॉर्फस का मतलब होता है जिसके रेगुलर मॉलिकुलर शेप नहीं है, बिल्कुल सही कहा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ए है। अब देखिए नेक्स्ट है, पेंटेन हैज डैश स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो पेंटेन के बारे में पूछा गया कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इसके, पेंटेन के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। पेंटेन तो बात की बात है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोमर्स होते क्या है। देखिए आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसके वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। स्ट्रक्चर अलग होगा तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, तो इसको बोलते हैं आइसोमर्स। अब यहाँ पे पेंटेन के बारे में पूछा गया, तो पेंटेन के 3 होते हैं आइसोमर्स, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो बच्चों ने आंसर करे हैं वो बिल्कुल गलत आंसर करें, जो लोगों ने जो आंसर करे हैं मेजरली वो डी आंसर करें, वैसे मेजरली चौहान जी का सही है, बिल्कुल 3 आंसर दिया इन्होंने, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पेंटेन के बारे में बात करते हैं जब हम, तो देखिए पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इस तरीके के 3 स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, तो ये तो मैंने आपको बताई दिया आइसोमर्स होते क्या हैं, इसमें तो कोई इशू है नहीं। आप नेक्स्ट इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर क्या है, जो 3 आइसोमर्स हैं उनका स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है, तो मैं आपको यही बोलने चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट है। आप देख सकते हैं होने में तो C5H12 है, पेंटेन में क्या होता है 5 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन है पेंटेन के अंदर, लेकिन
आप देख सकते हैं कि जो उनका स्ट्रक्चर है ना वो कितना डिफरेंट डिफरेंट है, किसका, पेंटेन का, आइसोपेंटेन का और नियोपेंटेन का, तो उसके वजह से क्या है इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो गई है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कौन सी बुक प्रीफर करूं गिरीश गर्ग जी, तो देखिए गिरीश जी आप डेली जीके क्लास अटेंड करिए, पुराने जितने भी जो डेली क्लास जा चुकी है ना वो सारे अटेंड करिए, आपके 50 में से 50 मार्क्स जरूर आएंगे, आपके 2-4 नंबर हो सकता है कट जाएं, करंट अफेयर आपकी स्ट्रांग ना हो, लेकिन जीके में आपको कहीं पर भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी बुक की आपको जरूरत नहीं है। और तो प्रीवियस जीके क्लास देखिए, डेली जीके क्लास अटेंड करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में संगम जी बोल रहे हैं, तो ये कुछ जो वीडियो मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ वाई फाई स्टडी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। राहुल जी बोल रहे हैं पेंटेन 5 होता है, तो बिल्कुल सही बात है, तभी तो हमने C5H12 लिखा है, देवांश जी ने फॉर्मूला भी लिख दिया। और साथ में फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनको एजुकेशन का फ़ायदा मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेली में नहीं जा पाते हैं, प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनको इन वीडियोस के थ्रू प्रिपरेशन करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में वो आपसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था आई गेस वो आपसे पूछा गया था टेंपल को लेके, ओके यहां पे टेंपल को लेके आपसे सवाल पूछा गया था कि जो कौन से टेंपल, देखिए यहां पे स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया था किसका, यहाँ पे विमाना का, विमाना जो है ये कौन से टेंपल का स्ट्रक्चर है ये आपसे पूछा गया था। आपको पता ही है फ्रेंड्स तीन तरीके के टेंपल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो नागर होता है, द्रविड़ होता है, वसारा होता है, तीन तरीके के टेंपल के स्ट्रक्चर पेपर में बहुत बार फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है। ये इस बार ये जो सवाल था थोड़ा सा इनडेप्थ था, ये वाला जो सवाल था, लेकिन आसानी से आंसर हो सकता है। आपको बताइए एक तो नागर होता है, द्रविड़ा स्टाइल है, और एक कौन सा होता है, वसारा शैल होता है, ठीक है, वे सारा। तो इस तरीके के तीन है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये ऐसे ये वाले टेंपल बनते हैं नागर स्टाइल में, अगर आपने राजस्थान के टेंपल देखे हैं, गुजरात के देखे हैं, तो ये सारे जो टेंपल है ना ये कौन से नागर स्टाइल के बने होते हैं। द्रविड़ा स्टाइल के कौन से होते हैं, साउथ इंडिया के टेंपल से, जिनके अंदर काफी बारीकी से काम किया जाता है। मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने बारीकी से साउथ इंडियन के द्रविड़ा स्टाइल में टेंपल्स के ऊपर आर्किटेक्ट किया गया है। ये थोड़े बड़े टेंपल होते हैं, स्ट्रक्चर की भी आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कुछ इसके अंदर थोड़ा सा स्लांट दिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन दिया जाता है, वो हम ज़्यादा जब आपके यूपीएससी का एग्जाम आएगा तब मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी आपके पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली CGS जो SSC के जो पेपर है उनके लिए, हालांकि ये काफ़ी डेप्थ में इनकी आपको पता होना चाहिए। और ये जो है ये आपके डेक्कन वाले एरिया के अंदर है, यानी कि जो आप सेंट्रल इंडिया बोल सकते हैं वो वेसारा टेंपल वाला, डेक्कन इंडिया जो है ना एरिया उसके अंदर ये वाले टेंपल बनते हैं। हम्पी का नाम आपने सुना होगा, वो सब ये वाले टेंपल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके के टेंपल्स हैं और आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ जिसके अंदर सारे के सारे जो टेंपल है उनका स्ट्रक्चर भी आपके सामने मेंशन है, नागर, द्रविड़ और वेसारा, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं उसकी, जब नीचे जो इमेज दे रखी है ना इसके अंदर टेंपल का स्ट्रक्चर भी मैंने दे रखा है, और यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर एक जगह पे वेसारा लिखा हुआ है, विमाना। तो ये क्या है, ऊपर का जो टॉप होता है ना वो स्ट्रक्चर है जो कि आपके पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विमाना, यानी कि जो विमान विमान ये जो लिखा हुआ है ये आपका सही आंसर होना चाहिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी समझ गए होंगे ये जो तीन टाइप के जो टेंपल के स्ट्रक्चर है ये पेपर में बहुत बार आते हैं, और आपको ध्यान रखने चाहिए कि कौन से टेंपल कहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। अगर कई बार पेपर में उड़ीसा का भी बनाते हैं कि उड़ीसा का कौन सा बनता है, तो उड़ीसा का जो तीसरा वाला है वो कौन सा है, उड़ीसा का है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब आप समझ गए होंगे, और अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वाले जो क्वेश्चन अभी तक आपको आ रहे होंगे, और इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और आपके लिए बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ रहे हैं, तो आपको कभी भी ऐसे कोई इशू नहीं आएगा किसी भी पेपर के अंदर। ये टेम्पल वाले जो सवाल है इसको डेप्थ में भी मैं आपको चाहता हूँ बताना, लेकिन जब आपका यूपीएससी का पेपर आएगा ना, जब तुम्हें इसके थोड़ा और डेप्थ में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर्स पेपर में कई बार आते हैं, जैसे कि इस बार ये पूछ लिया गया, तो अगली बार आपको इस तरीके के सवाल ना आके आपके नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या फिर जो मिडिल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, इस तरीके के आपके सवाल आ जाएंगे। इससे मुश्किल में आपके कभी भी कोई भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके फोक डांस को लेकर पूछा गया। यहां पे जो आपका आंसर होगा प्रीवियस का वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो आपका आंसर है यहां पे विमाना, विमाना आपका सही आंसर है। जिन लोगों ने विमाना आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोक डांस को लेकर पूछा गया, कुड इज अ फोक डांस ऑफ, तो कुड जो है ना वो आपसे पूछा गया। अब देखिए कुड जो है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं जो फोक डांसेस है इसका मैं अलग से आपके लिए वीडियो भी बना चुका हूं। फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, और क्लासिकल डांसेस कितने हैं, 8 क्लासिकल डांसेस है जो कि संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। और फोक डांसेस यहां पे आपसे जो कुड पूछा गया ये कहां का है, जेएनके का है। सी इसका सही आंसर होगा। जिन लोगों को ना आंसर इसको नहीं पता है, यहां पे आप इमेज भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो डांस है ना ये इस तरीके का डांस है और जो कि जेएनके के अंदर ज्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा है ज्योति जी ने। अब देखिए यहाँ पे जो ये डांस है ये, इसके अलावा पेपर में आपके लिए जो मेजर पॉसिबिलिटीज है वो संगीत नाटक अकेडमी के जो रिकॉग्नाइजेशन वाले जो 8 स्टेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट इमेज भी देख सकते हैं फ्रेंड, जिसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कुचिपुड़ी और ये सब जो डांस है ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कथक के बारे में पेपर में पूछते हैं। कथक कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का है। कुचिपुड़ी के बारे में पूछते हैं जो कि आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का है। भरतनाट्यम पूछते हैं तमिलनाडु का है। वैसे कथकली, मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के, केरला के हैं। उड़ीसी उड़ीसा का है। सथरिया डांस आसाम का है। तो ये सारे संगीत नाटक अकेडमी के जो क्लासिकल डांस है जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया इकोनॉमिक्स का सिंपल सा सवाल था। इसके अंदर कुल मिला के कंसेप्ट ये था कि ये लोग ये चाह रहे थे कि आपको एक्सप्लिसिट, कुल मिला के आपको ये दो टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, एक्सप्लिसिट और साथ में जो दूसरा देखिए इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये दो के बारे में आपको पता हो, ये कॉस्ट क्या होती है, ये इनका मोटिव था। इन्होंने बोला कि भाई जो टोटल रेवेन्यू है वो कितने का हुआ है, 35 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। 35 करोड़ का क्या हुआ है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और इसमें से प्रॉफिट बताना था आपको कितने का प्रॉफिट होगा। तो देखिए कॉस्ट आपकी जो एक्सप्लिसिट लगी है ना, ये तो कौन सी कॉस्ट है जो कि आप सैलरी में देते हो, रॉ मटेरियल के लिए देते हो, रॉ मटेरियल खरीदना है, या ऐसे कोई भी अलाउंसेस जो है वो सारी कॉस्टिंग है, और ये कितने की थी, 7 करोड़ रुपए की थी। वैसे एक्सप्लिसिट कौन सी कॉस्ट है जो कि अगर कंपनी का जो फाउंडर है उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी, वहां से अगर पैसा लेके कंपनी में लगाया गया है जो कि कंपनी बाद में तो देगी देगी, एक बार तो कंपनी को बढ़ाने के लिए खुद की प्रॉपर्टी में से इन्वेस्ट कर दिया, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कही जाती है, जो कि कहां पर कितनी, 10 करोड़ है। तो कुल मिला के ये दोनों पैसे तो देने ही है, तो 17 करोड़ तो ये हो गया, 35 में से माइनस करोगे तो 18 करोड़ आपका आंसर आएगा, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कुल मिला के प्रॉफिट कितने का हुआ, 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही कहा है बच्चों ने, काफी लोगों ने सही आंसर निकाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। एन इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द नॉमिनल मनी सप्लाई रिजल्ट इन, तो अगर इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ रेट में नॉमिनल मनी के अंदर, अगर लोगों के पास में ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ये सिंपल सा सवाल था जो कि आपको समझना था। कई बार मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में कि ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। कम पैसा पहुंचेगा तो क्या होगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। तो यहां पे यही तो पूछा गया है कि मार्केट के अंदर अगर ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा ग्रोथ हो गई, इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द नॉमिनल मनी सप्लाई। देखिए एक सिंपल सा मैप बना लेते हैं, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। रेपो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगी कि घटेगी, रेपो रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा पैसा बैंक ले नहीं पाए आरबीआई से, और अगर ज्यादा रेट पे अगर पैसा मिलेगा बैंकों को तो बैंक भी क्या करेंगे, ज्यादा
रेट बढ़ा देंगे लोन की, जिससे लोगों के पास में ज्यादा पैसा नहीं पहुंचेगा और कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन वापस से पहले जैसी होने लगेगी। वैसे ही उल्टा होता है, मनी सप्लाई अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिफ्लेशन आ जाएगा, ठीक है, डिफ्लेशन बढ़ जाएगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। रेपो रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी और कंडीशन वापस से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, सारी कंडीशन में पेपर में अपने आप में सवाल है, सारे अपने आप में सवाल है, पूछ लेंगे रेपो रेट से लेट करके इन्फ्लेशन से, मनी सप्लाई से, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सही कहा है, कॉस्ट ऑफ गुड विल इंक्रीज, ये कहा है अस्मित कुमार जी ने, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही कहा है एके पांडे जी ने, टैक्स जो गवर्नमेंट है टैक्सेशन सिस्टम को इसलिए रिफॉर्म करती है, और यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि वर्कर इन द लेदर टैनिंग इंडस्ट्री टेंड टू सफर फ्रॉम, तो जो वर्कर होते हैं लेदर टैनिंग इंडस्ट्री में वो किस चीज से सफर होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए पेपर में बड़ा ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, कई डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कई डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है कि डिजीजेस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं लंग्स के डिजीजेस कहां पे होते हैं, जो माइनिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां पे क्या होंगे, लंग्स के डिजीज होते हैं। जब हम स्किन डिजीज की बात करते हैं, स्किन वाले में जैसे कि कौन सा है, मोटर इंडस्ट्री है, मोटर व्हीकल, इसके अलावा हेल्थ केयर में अगर कोई काम कर रहा है तो स्किन हो सकता है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पे साइट के ऊपर क्या हो सकता है, इसके अलावा प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, स्किन के प्रॉब्लम होगी, स्किन के क्या होंगे, डिजीजेज होंगे। तो ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज है जहां पे क्या होता है, स्किन के डिजीजेज होते हैं, और मेजरली जो लंग्स के होते हैं वो कहां पे होते हैं, माइनिंग के अंदर होते हैं, जहां पे केमिकल की माइनिंग हो रही है, किसी भी चीज की हो रही है, वहां पे ये होंगे। तो आंसर बिल्कुल सही है, सी इसका सही आंसर है। आप कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं जिसको रिलेटेड क्या कर रखा है, मैंने आपको बताया है, देखिए एक ये ऐसे स्किन डिजीजेज है, अगर प्रिंटिंग फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो ऐसे उसके हाथ होंगे और उसके स्किन डिजीज होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा और भी देख सकते हैं आप, लंग्स के डिजीजेज भी, सिलिकोसिस आपने सुना होगा नाम, ठीक है, ऑक्यूपेशनल कई सारे लंग डिजीजेज है, जैसे एस्बेस्टोसिस है, एस्बेस्टर माइंस के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोल वर्कर जो होते हैं उनको मेजरली ये डिजीजेज होते हैं कोल माइंस के अंदर, सिलिकोसिस का नाम आपने सुना होगा, तो ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत होती है इन लोगों को, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जसबीर जी बोल रहे हैं कि क्या 50 में से 50 मार्क्स आ सकते हैं पूरे वीडियो देख के, तो बिल्कुल, आपको सिर्फ तीन काम करने हैं, एक तो पहले के जीके वीडियो सारे देखने हैं, डेली जीके क्लास अभी वाली लगानी है ताकि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए, उसमें से 20-25% क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे, इसके अलावा करंट अफेयर आपको करना है, ये तीन चीजें कर लीजिए, आपके 50 में से 50 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और बिल्कुल सही है यहाँ पे, सी बिल्कुल सही आंसर है जिन लोगों ने आंसर किया है, स्किन डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे क्या पूछा गया था, सल्फेराइड को लेके पूछा गया, सल्फेराइड इज ए ओर मिनरल ऑफ, तो जो सल्फेराइड है ये किसका ओर मिनरल है। तो मैंने पिछली बार भी एक इमेज दिखाई थी जिसके अंदर मैंने सल्फेराइड आपको बताया था कि भाई किसका होता है, और वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, सल्फेराइड किसका ओर है। देखिए काफी लोगों को यहाँ पे मेरे को शायद ये लगता है कि ओर के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, ओर होता क्या है, कभी भी मुझे कुछ भी अगर रॉक के अंदर से, एक बड़ी रॉक में से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है ना, निकालना है, तो सबसे पहले कोई भी मेटल प्योर में नहीं निकलता है, जो भी मैं निकालूंगा ना किसी रॉक के अंदर से, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, सेडिमेंट्री हो, कोई सी भी रॉक हो, तो सबसे पहले उसमें से ओर ही निकलेगा। ओर को मैं फिर क्या करता हूँ, कई सारे प्रोसेस से उससे मैं कई सारे मेटल है या फिर मिनरल है वो मैं वहां से निकालता हूँ, तो सबसे पहली चीज जो निकलती है किसी भी रॉक में से वो ओर निकलती है। और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो जिंक इसका सही आंसर आएगा, डी, काफी लोगों ने इसका आंसर सही लिखा है, डी इसका सही आंसर है। और आप देख सकते हैं कैसा ये होता है, सैटेलाइट की आप इमेज भी देख सकते हैं, ये इस तरीके का है। और इसके अलावा और भी कई सारे ओर्स हैं जिनसे मेटल बनते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम है, तो सोडियम के अंदर देखिए बोरेक्स है, कॉमन सॉल्ट है, सोडियम से बनती है, एल्यूमिनियम के अंदर बॉक्साइड है, पेपर में आ चुका है, और इसके अलावा फ्लेक्सपर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम में नाइट्रेट और कैमेलाइट इंपॉर्टेंट है,
और मैग्नीशियम के अंदर मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कैमलाइट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पेपर में फ्रिक्वेंटली आपको पेपर में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप। अब यहाँ पे एक और करंट अफेयर का सवाल पूछा गया डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप का। तो देखिए कई सारे ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं जो कि आपके पेपर में आपको पता होना चाहिए। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पता होंगे ना तो आपके पेपर में भी वही आएंगे। डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स इंडिया ने नियर बाय 40 के आसपास ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं जिनको बैन कर रखा है। कई सारे क्या कर रखा है, बैन कर रखा है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज की वजह से। तो आपने कई बार सुना होगा तारीख तालिबान, जमातुल फुका, यहां पे कई सारे नाम है आपके लिए। अब देखिए यहां पे तारीख जो तालिबान है ना, इसी में से एक ग्रुप 2014 में निकला था जिसका नाम क्या था, तारीख ए अरहर, ठीक है, जमात अल अरहर। इस नाम का यानी कि सी इसका सही आंसर होगा, गलत है, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये जो तालिबान ग्रुप है ना, तारीख तालिबान, इसमें से एक ग्रुप निकला था जिसका नाम था जमात अल अरहर। इसका हेड था, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो एक साल पहले न्यूज आई थी कि उमर खालिद नाम का एक टेररिस्ट था जो कि इसका हेड था। वो अमेरिका ने जब ड्रोन अटैक किया था अफगानिस्तान में, वहां पे वो मारा गया था। तो उसके बाद में ये न्यूज में काफी आया था कि एक बड़ा टेररिस्ट मारा गया है और उसी की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको भारत में बैन किया गया है। इसके अलावा और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में बैन करी गई है। ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने बाघा बॉर्डर पे सुसाइड बॉम्ब अटैक किया था, सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ था बाघा बॉर्डर पे, वो इसी ग्रुप ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, ठीक है। और यहां पे मैं कई सारे आपको नाम भी दिखा रहा हूं जो कि बैन है ग्रुप। पेपर में आपको इनमें से एक सवाल देखने को मिल सकता है, जैसे हिजाबुल मुजाहिदीन, मुजाहिदीन आपको पता ही है, ठीक है, इंडियन मुजाहिदीन है, इंडियन सिख यूथ फेडरेशन, ये सारे बैन करे हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ISIS के बारे में आपको पता ही है, और जैश ए मोहम्मद है, इसके अलावा जामातुल मुजाहिदीन है, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट है। तो ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया ने बैन कर रखी है, बब्बर खालसा है, और जो कि कई बार देश के अंदर बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक करती रहती है और जिसको हमने बैन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सवाल था, देहरादून से कैपिटल ऑफ। मुझे लगता किसी को इसमें कोई गलत आएगी, कोई गलत करेगा, सभी इसको सही करेंगे। देहरादून सभी को पता ही है ना किसकी कैपिटल है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, साथ में कैपिटल के साथ में गवर्नर और वहाँ के CM भी आपको पता होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको गवर्नर CM ये पता होने चाहिए, लेकिन एक एज ए इंडियन होने के नाते आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, उसकी कौन सी कैपिटल है। तो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। पहला जब मैंने ज्योग्राफी क्लास ली थी उस टाइम पे मैंने ये बात आपको बोली थी कि आपको इंडिया का पूरा मैप आपके दिमाग में फिट कर लेना है। यहाँ पे आंसर सभी को पता ही है, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। इंडिया का मैप दिखा रहा हूँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम है अभी वो डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेजरली प्रॉब्लम आती है ना लोगों को, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना हमारा, 7 सिस्टर स्टेट, वहाँ की कैपिटल में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक चीज ध्यान रखनी, 7 स्टेट के अंदर सिक्किम इंक्लूड नहीं होता है, सिक्किम को मिला के 8 होते हैं। 7 जो हम बात कर रहे हैं वो मैं उनकी कैपिटल आपको बता देता हूँ, आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो ये ऊपर वाला एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सभी को पता ही है। अरुणाचल के जस्ट नीचे कौन सा, नागालैंड की क्या है, कोहिमा है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरीके से बने हुए हैं, सबसे ऊपर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद नीचे त्रिपुरा, फिर मेघालय, और बीच में पूरा क्या है, आसाम है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आप इंडिया का याद कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। सबसे पहले अरुणाचल की कैपिटल क्या है, ईटानगर। नागालैंड की कौन सी, नागालैंड की कोहिमा है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो मणिपुर की आपको ध्यान रखनी है, इम्फाल है, मणिपुर, मिजोरम, आइजोल, उसके बाद में त्रिपुरा, अगरतला, उसके बाद में ऊपर मेघालय, उसकी कैपिटल शिलोंग है, और बीच में कौन सा है, आसाम है, जिसकी कैपिटल दिसपुर है। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को आपको याद कर लीजिए, पेपर में बहुत बार आते हैं, आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। ऑर्डर भी याद कर सकते हैं, सबसे ऊपर कौन सा है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर। मैं आपको एक थोड़ा सा और इसको अच्छे से थोड़ा बता देता हूँ, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस चीज के सवाल के अंदर, और फ्यूचर में अब आपको मैं चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में अभी कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं आए, ठीक है।
अगर मैं इस तरीके से का एक अगर मैप बनाऊं इंडिया का, अगर मैं एक रफली मैप बनाऊं, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में कौन सा आएगा? ए के बाद में आएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद में मेघालय। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बीच में आपके सबसे बड़ा आसाम। तो इस तरीके से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग और आसाम की दिसपुर। यहाँ पे आसाम के अंदर ही क्या है, माजुली आइलैंड भी है, ब्रह्मपुत्र जाती है, माजुली आइलैंड सबसे बड़ा दुनिया का रिवर आइलैंड है। और सिक्किम कहाँ पे? यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, जो कि 7 सिस्टम में नहीं आता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, पेपर में बहुत बार आती है। और बिल्कुल सही कहा है, तवांग मॉनेस्ट्री भी है, ए के पांडे जी ने तवांग मॉनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में, और बहुत अच्छी प्लेस है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है इसमें फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी, गिर फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया, कई बार बता चुका हूँ, नेशनल जो अपने जितने भी पार्क है उसके ऊपर वीडियो भी डाल चुका हूँ। आपको पता है ये देश का पहला जो नेशनल पार्क था 1936 में हेले नेशनल पार्क था, जिसको हम जिम कॉर्बेट कहते हैं। 1970 के बाद टाइम तक हमारे देश में सिर्फ नियर बाय कोई 5 या 6 नेशनल पार्क थे, लेकिन उसके बाद में जब हमने नेशनल पार्क पे काम चालू किया, टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया, उसके बाद में आज हमारे देश में 103 नेशनल पार्क है। कई जगह पे 99 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन 103 नेशनल पार्क राइट नाउ हमारे देश के पास में है, और कई सारे इंपॉर्टेंट है। ये तो इसका आंसर जो गुजरात है, गिर फॉरेस्ट एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी को बताइए गिर का बारे में, और यहाँ पे बी आपका सही आंसर है। कई सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मैं आपको इमेज दे रहा हूँ, इसमें से हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में जरूर आएगा एक ना एक सवाल। देखिए, डेजर्ट रणथंबोर सरिस्का और केलियोदेव राजस्थान के अंदर फेमस है बहुत, रण ऑफ कच्छ गुजरात, साथ में मैंने आपको ये भी बताया अभी गुजरात के अंदर एक और गिर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांधवगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देखिए बांदीपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ और बांदीपुर पेपर में आते रहते हैं। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर है। वैसे साइलेंट वैली केरला के अंदर है, ग्रेट हिमालय हिमाचल के अंदर है, कश्मीर में नहीं है, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के अंदर है, हेमिस सबसे देश के अंदर सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो हेमिस ही है, कहाँ पर है? जेएनके के अंदर है, कंचनजुंगा सिक्किम में, काजीरंगा असम में, नामदापा अरुणाचल प्रदेश में, केम्पुन लैम्जो मणिपुर के अंदर, कान्हा एमपी के अंदर, और ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो जो मैंने नाम दिए ना। पंच कहाँ पर है? एमपी के अंदर है, वन विहार भी एमपी में। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बैटन है, कहाँ पे? अंडमान निकोबार के अंदर, वो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको इसके साथ में एक स्टेप और मैं आगे लेके जाता हूँ, आपके CHSL में तो आ सकता है, CGL में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, उससे छोटे नेशनल पार्क, उससे छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हमने देश में इकोसिस्टम को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बना रखे हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश के अंदर है। आप एक इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर सभी बायोस्फीयर रिजर्व लिखे हुए हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। तो नंदा देवी की बायोस्फीयर रिजर्व भी उत्तराखंड के अंदर ही है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं। नौकरेक है, मनहास कहाँ पर है? आसाम के अंदर है। डिब्रू आपको बताइए आसाम में है, सुंदरबन बंगाल में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, नीलगिरी कहाँ पर है? कर्नाटका, ट्राई जंक्शन पे नीलगिरी, कर्नाटका तमिलनाडु और केरला के, सिमीफाल उड़ीसा में है, कंचनजुंगा सिक्किम में है, पंचमणी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमपी में है, और इसके अलावा कुछ 5 और एड ऑन करे गए थे वो भी आपके सामने है, पन्ना भी कहाँ पर है? एमपी में है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसमें से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। सुल्तानपुर बिल्कुल सही है, हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया, बाबर वॉज बॉर्न इन अ ईयर, तो बाबर का जन्म कौन से साल में हुआ था आपको बताइए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी हुई थी, और इब्राहिम लोधी जिसमें हार गए थे, दौलत खान उनके गवर्नर थे जिन्होंने उनको धोखा दिया था, इंडिया में उज्बेकिस्तान से एक रूलर को बुलाया था जो कि कौन थे? बाबर ही थे। बाबर तैमूर खान एक पर्सन थे, उनके बेटे थे तैमूर खान के,
जो कि उज्बेकिस्तान के एरिया में रहा करते थे। वहाँ पे काफ़ी उनका नाम था, लेकिन जब बाबर हुए तो बाबर ने काफ़ी लड़ाइयाँ वहाँ पे हारी, ज़्यादा लड़ाइयाँ वहाँ पे नहीं जीत पाए, वहाँ पे भी हारे, काबुल में भी हारे। और उसके बाद में जब इनको लगा कि नॉर्थ इंडिया जो है वो अच्छा एक सेक्टर है, जहाँ पे ये लड़ाई वहाँ पे अपना क्या कर सकता है, अपने को मोनोपोली कर सकता है, तो यहाँ पे आके उन्होंने राणा सांगा से भी लड़ाई लड़ी, जो कि उनकी बैटल सबसे मुश्किल वॉर थी। और यहाँ पे आंसर क्या है, 1483 बिल्कुल सही आंसर है, ए इसका सही आंसर है फ्रेंड, 1483। ज़्यादा उम्र उनकी नहीं थी, 1483 से लेकर 1530 में उनकी डेथ हो गई थी। ये बाबर का कार्यकाल है। बाबर की जन्म हुआ उज्बेकिस्तान में ताशकंद के पास में, और उनकी जो उनका टॉम्ब है, मैं आपको बताया था टॉम्ब कहाँ पर है, काबुल के अंदर है, काबुल के अंदर उनका टॉम्ब है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बिल्कुल सही, काफ़ी लोगों ने आंसर सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, तो इमेज भी देख सकते हैं आप बाबर की वैसे तो। और अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, वो पूछा गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखिए काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर है, आप सभी को पता ही होना चाहिए, मैं कई बार आपको बिल्कुल सही कहा है, अरविंद कुमार जी ने, तैमूर सन बाबर, बिल्कुल सही है। अब आपके पेपर में फ्रिक्वेंटली आज जो सवाल है, एक HDCM, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, HDCM, HD तो TV आता है, CM यानी कि चीफ मिनिस्टर, ये क्या है फर्स्ट, ये कौन है लास्ट, ये कौन है फर्स्ट, ये कौन है लास्ट, फर्स्ट कौन गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल, ये फर्स्ट कौन वाइसराय और ये कौन लास्ट वाइसराय, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उसके बाद में लास्ट इंडिया के कौन थे, डलहौजी थे, फर्स्ट वाइसराय कौन थे, कनिंग थे, और लास्ट कौन थे, माउंटबेटन थे। हेस्टिंग्स के बारे में आपको पता ही है, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के थे, तो आपका आंसर क्या होगा, हेस्टिंग्स ही होगा, डी आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा ये पहले वो पर्सन थे जिनका इम्पीचमेंट हुआ था, इम्पीचमेंट भी सबसे पहले इन्हीं का हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कई सारे गवर्नर जनरल थे, वो भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं हिस्ट्री क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। हेस्टिंग्स की बात करते हैं, उसके बाद कॉर्नवेल्स है, जिन्होंने कॉर्नवेल्स ने अपने यहाँ पे जो सेटलमेंट जमींदारी वाला सिस्टम लेके आए, पहली बार ICS लेके आए, इंडियन सिविल सर्विसेज। उसके बाद में वेलेस्ले के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने साठगांठ करी सारे स्टेट के साथ में, जिनको हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं सतारा और इन सब के साथ में। उसके बाद में बेंटिक है, बेंटिक को आपको पता ही है सती के बारे में, डलहौजी है, डलहौजी के बारे में आपको पता ही है, रेलवेज हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ, इसके तरह कनिंग आपको पता ही है, कनिंग कौन आए थे, सती प्रथा लेके आए थे कनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे जो बनना चलना से चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिटन के बारे में पता होना चाहिए, जिन्हें सबसे क्रूअल औरंगजेब माना जाता था, रिपुन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमारे अकबर माने जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से कई सारे सवाल आपके पेपर में यहाँ से बनते हैं, और आपके पेपर में कई बार बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, कभी भी आप गलत नहीं करोगे। आप देख सकते हैं मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई है, हेस्टिंग्स के अलावा एक और इमेज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कनिंग को लेकर। अब आप देख सकते हैं इसमें लॉर्ड कनिंग, कनिंग में गवर्नर जनरल थे म्यूटिनी के टाइम पे 1857 पे। मेयो कौन थे, जिन्होंने अंडमान आइलैंड्स के ऊपर लड़ाई हुई, पहली बार सेंसस हुए किसके टाइम पे, मेयो के टाइम पे। लिटन मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि सबसे क्रूअल लिटन ही थे, जिन्होंने प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे, कोई भी न्यूज़पेपर अपनी मर्जी से कुछ भी छाप नहीं सकता, ये लिटन लेके आए थे। उसके बाद में रिपुन, जिन्होंने उसको हटा दिया, और अकबर माने जाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपुन माने जाते हैं। डफरिन कौन थे, डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था कि जितने भी जो ये INC अपनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका फॉर्मेशन डफरिन के टाइम पे हुआ था। तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल इसमें से बनते रहते हैं और आपको आने वाले टाइम में भी देखते हुए मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड इन 2001। तो ये मिस वर्ल्ड का सवाल आया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हो गई इस क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे लारा दत्ता का नाम भी आ गया। देखिए लारा दत्ता, रीता फारिया,
तीन ऑप्शन सोलानी बेंद्रे, तो सभी को बताइए कि वो तो कभी ना तो मिस वर्ल्ड बनी है ना मिस यूनिवर्स बनी है। तीन ऑप्शन है, इसमें टक्कर है तीनों के, और यहाँ पे 2001 लिख दिया ना, तो एक लिखने के बाद में तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आपका अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन कभी हिला नहीं सकता, आपका सही होके ही रहेगा। कैसे होगा, सिंपल सा कंसेप्ट समझिए। जब हम मिस वर्ल्ड की बात करते हैं तो आज तक हमारे देश में से 6 बार ऐसा हुआ है कि मिस वर्ल्ड चुनी गई है। सबसे पहले कौन बनाई गई, रीता फारिया, ठीक है, रीता फारिया बनी 1966 के समवेयर सबसे पहले। उसके बाद में ऐश्वर्या राय बनी, तीसरे नंबर पे डायना हेडन के बारे में आपको पता होगा, ये भी एक्टर थी। उसके बाद में डायना हेडन के बाद में बात करें तो युक्ता मुखी ये भी एक्टिंग के अंदर आई थी। पांचवें नंबर पे बात करें ऐश्वर्या राय हो गया, युक्ता मुखी हो गया। उसके बाद में अभी तो रिसेंटली आपको बताइए, ऐश्वर्या के बाद में हो गया प्रियंका चोपड़ा बनी। उसके बाद में लास्ट अभी मनुश्री चिलर बनी। तो ये साहब 6 वो पर्सनालिटीज हैं इंडिया की जो कि मिस वर्ल्ड का जिन्होंने टाइटल जीता है। दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल लड़कियां इंडिया की मानी जाती है, क्यों, क्योंकि दुनिया में आज तक दो ही देश ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा 6-6 बार मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है आज तक इतिहास में, मिस वर्ल्ड के इतिहास में। एक तो वेनेजुएला और एक इंडिया, ये दो देश ऐसे जिन्होंने 6-6 बार ये टाइटल जीता है। इसके अलावा कोई भी देश 6 बार नहीं जीत पाया। 6 नाम मैंने आपके सामने लिख दिए और 2001 के बारे में यहाँ पे पूछा गया था आपसे, यहाँ पे 2001 के बारे में पूछा गया मिस वर्ल्ड का। और यहाँ पे अदिति, और यहाँ पे वैसे आपका जो आंसर होना चाहिए अदिति गावत्रीकर है, अदिति गावत्रीकर आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ये होना चाहिए था वैसे तो, ठीक है, यहाँ पे आंसर वैसे डी होना चाहिए क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत है। अदिति गावत्रीकर नहीं होके यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रियंका चोपड़ा होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है मिस वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे वैसे आपका आंसर डी होगा क्योंकि लारा दत्ता तो मिस यूनिवर्स थी और रीता फारिया मिस वर्ल्ड थी, सोनाली बेंद्रे बनी नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स की तो आपको पता होना चाहिए लारा दत्ता बनी है मिस यूनिवर्स, ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डी इसका सही आंसर होगा, लारा दत्ता तो मिस यूनिवर्स थी, डी इसका सही आंसर होगा, आदिति जो गोवात्रीकर है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया, वो आपसे पूछा गया इफ ए बॉडी स्लाइड्स ओवर ए सरफेस द फोर्स रेसिस्टिंग द मोशन बिटवीन दैम इज कॉल्ड, तो यानी कि अगर कोई आप फोर्स लगाओगे तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि उसे रेसिस्ट करेगा, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए यहां पे बिल्कुल सही कहा है विकास यादव जी ने, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन था, क्वेश्चन थोड़ा गलत था, आंसर के अंदर वैसे प्रियंका चोपड़ा होना चाहिए था आपका, लेकिन प्रियंका चोपड़ा वहां पे नहीं था, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सही है यहाँ पे जो बच्चे बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, थोड़ा क्वेश्चन गलत था, वो ऑप्शन उसके अंदर गलत दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन आपके पास में, आपको पता होना चाहिए कि बॉडी स्लाइड होती है तो जो फोर्स नीचे से लगता है ना वो कौन सा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर होगा वो 20 का सही आंसर होगा, फ्रिक्शन फोर्स। आप एक इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर एक पर्सन क्या कर रहा है, धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो धक्का मार रहा है ना ये कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। सिंपल सा सवाल था, मुश्किल कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहां पे पूछा गया वो आपसे पूछा गया स्ट्रीमलाइन फ्लो को लेके, एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड रिमेन सेम, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर कौन सी चीज है जो कि सेम रहती है हर पॉइंट पे, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए फ्रेंड्स, कई सारे तरीके के फ्लूइड होते हैं और कई सारे तरीके के चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लूइड कौन सा होता है, स्टेडी नॉन स्टेडी कौन सा होता है, टर्बुलेंस वाला कौन सा होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा रहा हूँ जिसके अंदर कई सारे फ्लूइड हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड आपके सामने होगा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्लूइड में स्टेडी अनस्टेडी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, अब देखिए स्टडी और नॉन स्टडी में क्या फर्क होता है, अगर पोजीशन के अकॉर्डिंगली, अगर प्लेस के अकॉर्डिंग या पोजीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें ना, स्पेस के अकॉर्डिंग जिसको मैं बोलूं, तो स्पेस के अकॉर्डिंगली तो क्या होगा, स्टडी और नॉन स्टडी को माना जाएगा। कि अगर कोई पानी है
वो अगर स्पेस के अकॉर्डिंगली सेम चल रहा है बिल्कुल, तो वो स्टेडी फ्लो है, और अगर नहीं है तो वो अनस्टेडी है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंगली, एक पहले तेज चला फिर धीरे चला, तो वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंगली। लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, लैमिनार में सारी जो लेयर है ना पानी की, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी, एक के ऊपर एक लेयर चलती रहेगी। टर्बुलेंट में क्या होगा, सारी की सारी लेयर एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेगी। कंप्रेसिव इनकम्प्रेसिव, फोर्स करने वाला, बिल्कुल सही है। रोटेशनल और इनरोटेशनल, कोई भी चीज़ जो खुद की एक्सिस पर नहीं घूम रही है वो तो कैसी है, इनरोटेशनल है, और जो खुद की एक्सिस के ऊपर घूम रही है, खुद की एक्सिस के ऊपर, वो कैसी है, रोटेशनल है। तो ये सारे के सारे टाइप ऑफ फ्लो है जो कि आपको ध्यान रखना है। साथ में आप इमेज में देख सकते हैं, स्ट्रीमलाइन जो फ्लो है ना, ये बिल्कुल लैमिनार फ्लो है बिल्कुल। इसके अंदर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, वेलोसिटी, सी इसका सही आंसर होगा। वेलोसिटी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, किसमें, स्ट्रीमलाइन फ्लो में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया था। द ड्राफ्टिंग कमिटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज, यानी जो ड्राफ्टिंग कमिटी है रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज, और यहां पे अस्मित कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस तो यूनिफॉर्म होता है, और टाइम के अकॉर्डिंगली स्पेस के अकॉर्डिंगली तो स्टडी होगा, और यूनिफॉर्म किसके अकॉर्डिंगली होगा, टाइम के अकॉर्डिंगली होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट सवाल ड्राफ्टिंग कमेटी को लेके पूछे गया, आपको पता ही है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर कौन थे, बी एन राव थे, और ये सारी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और काफ़ी टाइम 6 महीने उसको लिखने में लग गए थे, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश, दो लैंग्वेजेस के अंदर इसको लिखा गया था, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। तो आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, हिंदी और इंग्लिश। कई बार बता चुका हूँ आपको इसके बारे में कि हमारे देश के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो दो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी किसके अंदर, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। इंग्लिश की बात करें तो 22 लैंग्वेजेस यहाँ पे हमारे पास शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, जो कि पेपर में आपके से पूछी जाती रहती है। तो इमेज में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, और 22 लैंग्वेजेस हैं जो आर्टिकल 343 शेड्यूल 8 के अंदर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वो है बीमारू स्टेट। देखिए ये बीमारू स्टेट किसको कहते हैं, ये आपसे सवाल है, बीमारू स्टेट कौन से होते हैं। पेपर के ये हुआ ये था कि 1970s के टाइम पे, 1970s के टाइम पे, राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, 80s के टाइम पे कुछ स्टेट थे, कौन से स्टेट आपको पता ही होना चाहिए, बीमारू स्टेट यानी कि सबसे ज्यादा बीमार या डिजीज कौन से स्टेट के अंदर होती है। ये इस वजह से ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये अमीश एक घोष थे, अमीश घोष, उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को बनाया था। और कौन से स्टेट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और यूपी सबसे ज़्यादा बीमारू स्टेट है ये, तो इनको बोला गया था बीमारू, बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, बीमारू, राहर से राजस्थान, और बीमारू यू से उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, आंसर में जो दे रखा है वो मध्य प्रदेश दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। क्या आंसर होगा, मध्य प्रदेश का सही आंसर होगा, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप एक इमेज भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैप के थ्रू भी बता रखा है पूरे बीमारू स्टेट, ओरिजिनल बीमारू रीजन 1980s के टाइम पे, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेपर में फिर से सवाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपसे फॉर्मूला वन को लेकर पूछा गया, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2016 किसने जीती थी। तो देखिए करंट अफेयर का पार्ट है, आपको पता ही है, हालांकि वैसे आपको इंडिविजुअली ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि भाई दुबई वाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, लंदन वाली किसने जीती है, सिंगापुर किसने जीती है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज याद रख लीजिए, 2017 के जो चैंपियन है फॉर्मूला वन के, वो कौन है, लुइस हैमिल्टन है। हैमिल्टन क्या है, 2017 के फॉर्मूला वन के चैंपियन है, जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीती है। टोटल कितनी हुई है, 20 हुई है, 20 में से सबसे ज्यादा इन्होंने जीती है, तो इसीलिए चैंपियन बन गए 2017 के। कौन सी टीम से, मर्सिडीज टीम से, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज टीम से। इंडिया की कौन सी टीम है, फोर्स इंडिया, वो इंडिया की टीम है जिसमें विजय माल्या का भी उसमें शेयर था। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर जो होगा ना
वो रोजबग होगा, निको रोजबग, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की बात करें ना, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स तो वो रोजबग ने जीती है। तो गलत आंसर काफी लोगों का यहाँ पे आया है, और आप देख सकते हैं इमेज जिसके अंदर रोजबग को दिखाया गया है, ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन उन्होंने ही जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किताब का था, जिसको मैं आपको बोलता हूँ हमेशा आता ही आता है, हु रोट द बुक गॉन विद द वाइंड विंड, गॉन विद द विंड, ये जो किताब है गॉन विद द विंड ये किसने लिखी है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही फेमस मूवी भी थी, और अमेरिकन मूवी थी जिसके ऊपर पिक्चर बनी, काफ़ी फेमस भी हुई, और ये जो है ये मार्गरेट मिशेल ने लिखी है। तो इसका आंसर जो है वो डी इसका सही आंसर है। एक दो सवाल ऐसे बनाए जाते हैं जो कि बड़े टफ होते हैं, लेकिन हम जब प्रीवियस ईयर के करेंगे तो इसमें से आपके जो टफ वाले भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा डी होगा, आप देख सकते हैं बुक का कवर भी, गॉन विद द विंड, ये मार्गरेट मिशेल ने ये बनाई थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले पेपर में। तो आज आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, आपके लाइफ में भी काम आएगा, पेपर में आपके बहुत काम आने वाला है। 2018 में मिलके जॉब लगनी ही लगनी है, और पेपर बहुत अच्छा करना है आप सभी को। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, और जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी उतनी ही मेहनत करें अपने आप के लिए। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वही हमारे लिए गिफ्ट होगा, क्योंकि हमारी मेहनत आप भी के ऊपर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलेंगे सेम टाइम पे, सुबह 8 बजे वोकैब की क्लास में और 12 बजे जीके की क्लास में। साथ में मैंने आपके लिए बुक्स वाला वीडियो डाल दिया है, और भी वीडियोस में डेली आपके लिए करंट अफेयर के डालता रहूंगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।